हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहे ना। तो गाइस, आप सभी लोगों के लिए और एक नई वीडियो लेके, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हूँ। आज टीवी सेंटर BS4 और BS6 का कंपैरिजन वीडियो है। ये पूरा वीडियो देखना आप लोग। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को। BS6 एंटोर और BS4 एंटोर की जो कंपैरिजन वीडियो है उसका फर्स्ट पॉइंट है एंटोर की प्राइस। BS4 का जो एंटोर है उसका प्राइस है 85,500 रुपीस और BS6 का जो एंटोर है वन रोड प्राइस कोलकाता में प्राइस है 92,000 रुपीस मेरे को पड़ा। इसका जो सेकंड पॉइंट है उसका जो DRL है हमारी LED मिलता है और इसके पूरा हेडलाइट BS6 का LED मिलता है, कोई हलचल बाहर नहीं मिलता है। BS4 का जो LED लाइट है वो DRL 1 है नीचे का, हैलोजन बल्ब मिलता है, इसका कोई LED लाइट नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, BS4 का जो पीछे का मार्ट गार्ड है उसी को हम लोग निकल सकते हैं और अच्छे लुक देने के लिए, फैट टायर देखने के लिए एक अच्छे लुक दे सकते हैं एंटोर्क को। और जो हमारी BS6 का पीछे का मार्ट गार्ड है उसको नहीं निकल सकते हम लोग को, फिक्स है, एक बोरा चेंज है हमारी एंटोर्क की। BS4 एंटोर्क की जो किक स्टैंड है सामने की तरफ है, किक मारने के जो स्टैंड होती है वो सामने की तरफ है और जो हमारी BS6 का एंटोर्क है उसका किक स्टैंड पीछे की तरफ है, आप लोग देख लीजिए। हमारे जो रेस एडिशन है उसका राइट साइड में एक रेड कलर का बटन मिलता है, उसमें 4 इंडिकेटर चलता है, हजार्ड लाइट BS6 का ऊपर एक नए फीचर्स दिया है, तो एक बिग चेंज है BS6 के, ठीक है। BS4 के कोई वहाँ पे हजार फ्लैशर का कोई जगह नहीं दिया गया है, वहाँ पे एक हेडलाइट ऑन ऑफ बटन है। एंटोर्क BS6 का डिगी के अंदर OBD बोल के एक जैक है, कोई भी एंटोर्क के ऊपर प्रॉब्लम होने से यहाँ से चेक करते हैं सर्विस सेंटर वाले एक डिवाइस लगा के, ठीक है। BS4 का जो डिगी के अंदर कोई OBD जैक नहीं है, प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं सर्विस सेंटर वाले, ठीक है। BS4 एंटोर्क एक कार्बोरेटर वाली इंजन है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कम माइलेज मिलेगा। और जो BS6 का एंटोर्क है इसमें कोई भी कार्बोरेटर नहीं है, एक FI इंजन BS6 का एंटोर्क है, इसमें 52 से 53 तक माइलेज मिलेगा। BS6 का जो एंटोर्क है इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है आपको, फ्रंट का ब्रेक दबाने से पीछे का ब्रेक भी काम करेगा और पीछे के ब्रेक दबाने से सामने का ब्रेक भी काम करेगा, ठीक है, एक नई फीचर्स है। BS4 के एंटोर्क की कोई कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिलता है, पीछे का ब्रेक दबाने से पीछे का ही काम करेगा और सामने का ब्रेक दबाने से सामने का ही काम करेगा। TVS एंटोर्क BS6 का डिजिटल मीटर की राइट साइड में एक प्रॉब्लम इंडिकेटर मिलता है और लेफ्ट साइड में एक इको एंड पावर मोड मिलता है। BS4 का एंटोर्क की डिजिटल मीटर में राइट साइड में कोई भी प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं मिलता है और लेफ्ट साइड का इको एंड पावर मोड स्टार्ट होने के बाद चलता है। BS4 का जो एंटोर्क है चाबी ऑन होने से इसका पास लाइट जलेगा, पास लाइट प्रेस करने से, देख लीजिए हम लोग पास लाइट प्रेस कर रहा हूँ, बिना स्टार्ट कीजिए जल रहा है। और BS6 का जो एंटोर्क है स्टार्ट होने के बाद पास लाइट काम करेगा, बिना स्टार्ट की नहीं काम करेगा, ये एक फीचर्स नहीं है। TVS एंटोर्क BS6 का जो हैंडल बार मिलता है एलुमिनियम का मिलता है, ये हार्ड है,
TVS Ntorq 26 का जो मिलता है वो प्लास्टिक का मिलता है। BS4 Ntorq की जो हवा देने के नोजल बोलता है इसमें, इसको राइट साइड को घुमा के दिया गया है, और BS6 का जो हवा देने का नोजल है वो नॉर्मल जैसे होती है वैसे दिया गया है। तो गाइस आशा रखता हूँ हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। आज जो वीडियो बनाया कुछ डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाया, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी चैनल पर नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो आती है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।